नमस्कार सर, यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। 8 वर्षीय बादल दौड़ते हुए विंध्याचल से लखनऊ रवाना, सपना है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराना। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम मैराथन के माध्यम से दर्ज कराने के लिए उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलने के लिए लखनऊ तक दौड़ना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि प्रयागराज जनपद के मांडा थाना के अंतर्गत बादल कुमार बिंद्र उम्र लगभग 8 वर्ष, पिता विनोद कुमार बिंद निवासी भुसरा नरोत्तम ललितपुर का निवासी है। विगत 23 जुलाई 2021 को प्रयागराज सुभाष चौक से मैराथन प्रारंभ कर लगभग 16 दिन की कठिन तपस्या के बाद 8 अगस्त 2021 को इंडिया गेट नई दिल्ली में अपना परचम लहराया था। उस समय 96 विधायक से लेकर कई जनप्रतिनिधियों द्वारा सम्मान भी प्राप्त किया था। बादल का सपना है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा के ही दम लेंगे। इसी क्रम में बादल बिंद उम्र लगभग 8 वर्ष ने एक और रिकॉर्ड की जंग छेड़ दी है, जो दिनांक 1 अगस्त 2022 को विंध्याचल अटल चौक से माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कार्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ पर परचम लहराने की तमन्ना लिए दौड़ पड़े हैं। हर कोई बच्चे की कठिन परिश्रम की सराहना कर रहा है। गैपुरा के पास संत श्री राही बाबा ने देखा तो अपने गाड़ी से उतर कर बच्चे को आशीर्वाद दिया। जिगना थाने पर ही थाना प्रभारी विजय सरोज ने भी बच्चे का उत्साहवर्धन करते हुए स्वागत किया। बच्चे की देखरेख में कोच रजनीकांत साथ साथ चलते हैं। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास रिपोर्ट। धन्यवाद। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम है बादल। बादल, हाँ। और क्या करने जा रहे हो आज? आज विंध्याचल तक दौड़ेंगे। तो दौड़ने का ये मन तुम्हारा कैसे हो गया? बुढ़िया सिंह को देखा तो हमने सोचा बुढ़िया सिंह को देख लिया, अब इसको दौड़ने का प्रेरणा मिलेगी। तो इसके पहले भी कभी दौड़े हो? हाँ। कहाँ से कहाँ तक गए हो? प्रयागराज से इंडिया गेट दिल्ली। प्रयागराज से इंडिया गेट दिल्ली तक गए हो? हाँ। तो क्या उम्र है आपकी? 7 साल। 7 साल। और मम्मी पापा, तुम्हारा घर कहाँ है बेटा? नरोत्तम ललितपुर। मुख्यमंत्री से मिलकर के क्या कहना है? हमको यही कहना है कि हमारा कोच कहीं नहीं है, हम अकेले ही दौड़ रहे हैं और गरीबों की सहायता करना चाहता हूँ और देश के लिए गोल्ड मेडल लाना।